नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसे हम दंड प्रक्रिया भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। 1973 का ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। जितने भी विद्यार्थी एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जितने भी विद्यार्थी सिविल जज जुडिशरी या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानून की जो प्रक्रिया है, क्रिमिनल कानूनों की जो प्रक्रिया है, वो बताने वाला ये कानून है। और इस कानून को कोड कहा जाता है, ये एक्ट नहीं है। और कोड, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया, कोड को आप समुद्र समझ लीजिए। समुद्र जिसमें विभिन्न प्रकार की नदियां विलीन होती है, ठीक इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के क्रिमिनल कानूनों की प्रक्रिया, यानी क्रिमिनल कानून बहुत सारे हमारे देश में, आर्म्स एक्ट यानी आयुध अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, जितने भी एससीएसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी क्रिमिनल कानून है, उन क्रिमिनल कानूनों की प्रक्रिया बताने वाला ये कानून है। इस कानून का नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग सीआरपीसी का एक क्विक रिविजन करेंगे, जो कि आपको सारा सीआरपीसी यदि आपने पढ़ा है तो पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पूर्व आईपीसी का क्विक रिविजन और इंडियन एविडेंस एक्ट और अन्य परीक्षाओं के अन्य एक्ट के क्विक रिविजन्स मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपका कोई लेक्चर मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रिविजन कर सकते हैं। ये रिविजन आपको एग्जामिनेशन के जस्ट पहले एक रिकॉल करने में बहुत मदद करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी क्विक रिविजन। सो टुडेज टॉपिक इज क्विक रिविजन ऑफ द सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का रिविजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी हमारे देश का प्रोसीजरल लॉ है, मतलब प्रक्रियात्मक कानून है। हम सभी ने पढ़ा है कानून दो प्रकार का होता है, एक सार्वान कानून जिसे हम सब्सटेंशियल लॉ कहते हैं, और एक होता है प्रक्रियात्मक कानून। जो सब्सटेंशियल लॉ होता है वो व्याख्या करता है, यानी आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव यानी सार्वान विधि है, यह व्याख्या करती है कि क्या बात अपराध होगी और उस अपराध के लिए क्या दंड होगा। तो किसी चीज को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है, वो होती है सार्वान विधि। लेकिन प्रक्रियात्मक कानून किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है, वो सीधे सीधे प्रक्रिया बताता है कि न्यायालय में किस प्रकार से केसेस की सुनवाई होगी, किस प्रकार से ट्रायल होगी। नाम से स्पष्ट है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल की बात कर रहा है, ठीक इसी प्रकार सीपीसी जो है वो सिविल प्रक्रियाओं की बात करता है। लेकिन आज हम लोग सीआरपीसी की बात करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्रिमिनल कानून है, उन क्रिमिनल कानूनों की सुनवाई न्यायालय में कैसे होगी, ये सारी बातें सीआरपीसी में बताई गई। तो सीआरपीसी देश का प्रोसीजरल लॉ है और इसे कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंसोलिडेटिंग एक्ट है, सभी प्रकार के प्रक्रियाओं को अपने अंदर समाहित करता है, इसीलिए समेकितकारी कानून भी कहा जाता है, कंसोलिडेटिंग स्टेट्यूट इसको कहा जाता है। अब पुरानी सीआरपीसी जो भारत में थी वो 1898 की थी, यानी 1898 का सीआरपीसी पहले चलता था, लेकिन आजादी के बाद अनेक परिवर्तन किए गए। पुरानी सीआरपीसी में दो ही प्रक्रिया होती थी, वारंट विचारण और समन विचारण। लेकिन चूंकि मामले बढ़ते गए और बहुत छोटे केसेस भी आने लगे, तो उन पैटी केसेस को, छोटे मामलों को शीघ्र सुनवाई करने के लिए, शीघ्र निपटारा करने के लिए समरी ट्रायल भी जोड़ दी गई। तो अब तीन ट्रायल सीआरपीसी बताई गई है, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। और ये तीनों ट्रायल जो है ये सीआरपीसी 1973 में बनाई गई। 1973 सीआरपीसी को 41st लॉ कमीशन, हमारे देश में विधि आयोग की स्थापना की गई, जो कानून का समय समय पर पुनर्विलोकन करता है और कानून में अपडेशन या अमेंडमेंट की बात करता है। तो विधि आयोग में 41वें विधि आयोग की रिपोर्ट पर सीआरपीसी का गठन हुआ। और सीआरपीसी के स्ट्रक्चर को देखें तो कुल मिला के आईपीसी के बाद दूसरे नंबर पर ही आता है, जो आपके सिलेबस में आता है, 484 सेक्शन के साथ 484 धाराएं, जो कि 37 अध्यायों में बटी हुई है। तो 37 चैप्टर्स आर देयर इन द सीआरपीसी एंड देर आर टू शेड्यूल ऑल्सो, इसमें दो अनुसूचियां भी बताई गई। पहली अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, वेलेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। और दूसरी अनुसूची में प्रारूप बताए गए हैं, 56 प्रारूप दिए गए हैं, जिसे प्रारूप नंबर 1 देखेंगे आपको समन का प्रारूप मिल जाएगा, प्रारूप नंबर 2 देखेंगे आपको वारंट का प्रारूप मिल जाएगा, प्रारूप मतलब उसका फॉर्मेट। अब सीआरपीसी में ट्रायल तो बताई गई है, ट्रायल के साथ साथ प्री ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल भी बताई गई है, मतलब विचारण भी बताया गया है, विचारण के पूर्व की प्रक्रिया भी बताई गई है और विचारण के पश्चात की प्रक्रिया भी बताई गई है। इसे हम समझने के लिए डायग्राम की सहायता लेते हैं। आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ट्रायल प्रोसेस की, यानी विचारण, न्यायालय में सुनवाई होने के पहले के मामले।
तो सुनवाई होने के पहले सीआरपीसी का अध्याय 1 से लेकर 17 तक जो है ये प्री ट्रायल प्रोसेस के बारे में बताता है। इसमें बताया गया कि ट्रायल कहां चलेगी, दंड न्यायालय में चलेगी, तो दंड न्यायालय का गठन, दंड न्यायालय की शक्तियां, ऐसे अनेक बातें बताते बताते ये जब 217वें चैप्टर में पहुंचता है और 17 चैप्टर खत्म होता है सेक्शन 224 से, तो 224 धाराओं तक आप मान के चलिए कि प्री ट्रायल प्रोसेस चल रही है, मतलब ट्रायल के पहले की प्रोसेस चल रही है। 225 से ट्रायल प्रोसेस चालू हो जाती है और 225 से ये ट्रायल प्रोसेस चलती है 265 तक, क्योंकि इसमें चार ट्रायल चलेगी, एक सेशन ट्रायल चलेगी, उसके बाद वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट एंड समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। तो इसमें चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21 ऐसे करके चार चैप्टर आते हैं जो कि धारा 225 से लेकर 265 तक चलने वाले हैं। 265 ए से लेकर काउंटिंग होती है 484 तक की, और इसमें पोस्ट ट्रायल प्रोसेस यानी ट्रायल खत्म हो गई, अब जजमेंट होने वाला है, जजमेंट के बाद अपील होने वाली है, अपील के बाद रिवीजन होने वाला है, रिवीजन रेफरेंस होने वाला है, ट्रांसफर होने वाले हैं, तो ये सारी बातें जो है पोस्ट ट्रायल प्रोसेस में आती है, किस प्रकार सजा का निष्पादन होगा, किस प्रकार सजा का लघुकरण होगा, किस प्रकार सजा को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सारी बातें पोस्ट ट्रायल प्रोसेस में बताया जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सीआरपीसी में ट्रायल तो बताई गई है, ट्रायल के पहले प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल भी बताई गई। प्री ट्रायल मतलब पुलिस की शक्तियां भी बताई गई है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कैसे की जाएगी, ट्रायल के पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, पुलिस गवाहों का परीक्षण कैसे करेगी, 160 के 161 के कथन कैसे लेगी, ये सारी बातें भी सीआरपीसी के अंतर्गत बताई गई। आइए अब हम एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सीआरपीसी का चैप्टर 1 जो है वो एक प्रकार से प्रिलिमिनरी है, जो इंट्रोडक्शन बताता है कि सीआरपीसी कहां लागू है, सीआरपीसी का नाम क्या होगा, सीआरपीसी के अंदर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स का उपयोग कहां किया जाएगा, 2A में अवेलेबल ऑफेंस, 2B में चार्ज, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2D में कंप्लेंट, ऐसे करके 2N में ऑफेंस, 2W में वारंट ट्रायल, 2WA में 2WA में विक्टिम, ऐसे विभिन्न प्रकार के टर्म्स बताई गई है। फिर ये भी बताया गया कि सीआरपीसी कहां लागू नहीं होगी, कहां लागू नहीं होगी। इसके बाद हम अगर चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, सीआरपीसी में 6 से लेकर 25 तक क्रिमिनल कोड का गठन बताया गया है। चूंकि ट्रायल दंड न्यायालय में चलने वाली है, तो इसलिए सबसे पहले दंड न्यायालय का गठन कर दिया गया। चैप्टर 3 में 26 से लेकर 35 में दंड न्यायालय को शक्तियां दे दी गई, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शक्ति दी गई। फिर अरेस्ट चैप्टर नंबर 5 में गिरफ्तारी के बारे में बताया गया, गिरफ्तारी किस प्रकार की जाएगी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, गिरफ्तार कब कब किया जाएगा, कब बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जाएगा, आरोपियों के क्या अधिकार होंगे, गिरफ्तारी के ग्राउंड्स धारा 50 में बताए गए, 57 में बताया गया कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, धारा 60 में बताया गया कि पीछा करके फिर से पकड़ने की पुलिस की शक्ति दी गई, ऐसे विभिन्न प्रकार के अरेस्ट के पावर बताए गए। फिर कोई व्यक्ति नहीं आता है न्यायालय में तो उसे कंपेल कैसे किया जाए, हाउ टू कंपेल द पर्सन एंड विटनेस, धारा 61 से लेकर 90 चैप्टर 6 में इसके बारे में बताया गया। इसमें समन, वारंट, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, अटैचमेंट, कुर्की, प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, इसके बारे में सारी बातें बताई गई। थिंग्स और दस्तावेज, किसी मामले की सुनवाई में चीजें और दस्तावेजों की जरूरत है, तो चैप्टर नंबर 7 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है 91 से लेकर 105 तक। इसी में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी बताया गया, 7A सीआरपीसी का पहला इंसर्शन 7A में हुआ, 1993 में ऐसे लोग जो देश से भाग गए हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसे कुर्क होगी, उसके बारे में भी प्रक्रिया बताई गई है। चैप्टर 8 की ओर चलते हैं, 106 से लेकर 124 इसमें बॉन्ड की व्यवस्था बताई गई है, प्रतिभूति शांति सदाचार बनाए रखने के लिए बॉन्ड लेने की प्रक्रिया बताई गई है। चैप्टर 9 में मेंटेनेंस बता दिया गया है, 125 से लेकर 128 तक मेंटेनेंस यानी वाइफ, बच्चे और बूढ़े ये लोग मेंटेनेंस ले सकेंगे, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, समाज में प्रशांति बनी रहे, शांति बनी रहे, लोग न्यूजेंस के मामले, भूमि जल के विवाद, अर्जेंट मामले, ये सारे बातें चैप्टर नंबर 10 में बता दी गई है। चैप्टर नंबर 10 में 129 से लेकर 148 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया, और इसी में निवारक शक्तियां भी बताई गई, पुलिस की निवारक शक्तियां 149 से 153 तक बताई दी गई कि पुलिस 151 में गिरफ्तार कर सकती है 24 घंटे के लिए, यदि पुलिस को लगता है संज्ञेय मामला हो सकता है इसे गिरफ्तार न किया गया तो। फिर पुलिस की इंफॉर्मेशन 154 में FIR से चालू होती है और 173 पे चालान के समय खत्म होती है, अप्राकृतिक मौतों के बारे में भी बताया गया 174, 175, 176 में। तो चैप्टर नंबर 12 में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पावर और जुरिस्डिक्शन जो है चैप्टर नंबर 13 में बता दिया गया कि पुलिस कहां चालान पेश करेगी, कौन सी कोर्ट को संज्ञान लेने की शक्ति होगी, 177 से 189 तक चैप्टर नंबर 13 में ये जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया। 14 में मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने की बात बताई गई है, 190 से लेकर 199 तक मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं,
और इसी में कुछ अपेक्षित शर्तें भी बताई गई है। शर्तें मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा संज्ञान लेने के पूर्व। अब यदि हम बात करते हैं, यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो चैप्टर 15 में कंप्लेंट की भी बात बताई गई है कि मजिस्ट्रेट को परिवाद किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 15 200 से लेकर 203 तक, फिर 204 से लेकर 210 तक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाईयों को प्रारंभ किए जाने की बात बताई गई है। चार्ज बता दिया गया है, चार्ज यानी आरोप, अध्याय 17 211 से लेकर 224 तक किस प्रकार चार्ज लगाया जाएगा, चार्ज में कौन कौन सी बातें शामिल है, क्या चार्ज में परिवर्तन किया जा सकता है, ये सारी बातें भी चैप्टर नंबर 17 में बताई गई है। 17 तक हमारी प्री ट्रायल प्रोसेस खत्म होती है और यहां से ट्रायल प्रोसेस चालू हो जाती है। सेशन ट्रायल सबसे पहले बताई दी गई है, सेशन ट्रायल चैप्टर नंबर 18 में 225 से 237 तक बताई गई है। किस प्रकार से सेशन ट्रायल में मामला प्रारंभ होगा, पीपी द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, किस प्रकार प्रोसिक्यूशन विटनेस होंगे, फिर डिफेंस विटनेस होंगे, फिर जजमेंट होगा एक्विटल कन्विक्शन का और प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर हम बात करते हैं सेशन ट्रायल के बाद वारंट ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट, फिर मजिस्ट्रेट वारंट ट्रायल लेंगे चैप्टर नंबर 19 में, फिर चैप्टर नंबर 20 में हम समन ट्रायल की ओर चलते हैं। 251 से 259 तक समन ट्रायल बताया गया, समन ट्रायल की क्या प्रक्रिया होगी, फिर संक्षिप्त विचारण चैप्टर नंबर 21 में 260 से लेकर 265 तक। तो संक्षिप्त विचारण कौन कौन ले सकेगा, किन किन मामलों का संक्षिप्त विचारण होगा, उनकी बातें इसमें बताई गई है। किस प्रकार संक्षिप्त मामले में जजमेंट दिया जाएगा उसकी भी बात इसमें बताई गई है। इसके बाद प्ली बार्गेनिंग दूसरा इंसर्शन हुआ 21A में, प्ली बार्गेनिंग जिसे अभिवाद चर्चा कहते हैं, और ये 2005 में एक इम्पॉर्टेंट संशोधन हुआ कि कुछ मामले में यदि सौदेबाजी करके भी यदि कोई व्यक्ति अपने गिल्ट को कबूल कर लेता है तो उसकी सजा को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ट्रायल को रोकने के लिए कि ट्रायल ना चले, व्यक्ति शुरू से ही अगर अपनी गिल्ट को कबूलता है तो उसे एक सॉफ्ट तरीके से देखा जाएगा, प्ली बार्गेनिंग जोड़ी गई। प्ली बार्गेनिंग के बाद जजमेंट्स बताया गया, निर्णय बताया गया। निर्णय में चैप्टर नंबर 27 को अगर हम देखते हैं तो उसमें निर्णय बताया गया है। 29 में अपीलें, जो व्यक्ति निर्णय से संतुष्ट नहीं है वो व्यक्ति अपील कर सकता है। इसी प्रकार सीआरपीसी में रिवीजन और रेफरेंस की भी बातें बताई गई है, मामले को ट्रांसफर करने की बात बताई गई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 482 जिसमें हाईकोर्ट की शक्ति बताई गई है, अंतर्निहित शक्ति, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाईकोर्ट। तो इस प्रकार सीआरपीसी का यह स्ट्रक्चर बताया गया है और सीआरपीसी इस प्रकार से चलती है, प्री ट्रायल, पोस्ट ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल। आई होप इस क्विक रिवीजन में आपको मदद मिली होगी सारे सेक्शंस को रिकॉल करने के लिए। इसी प्रकार के क्विक रिवीजन के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और अन्य समस्त कानून के क्विक रिवीजन अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं लॉइजी के यूट्यूब चैनल में, और इसी प्रकार के अपडेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए लॉइजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।